हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि नील बोहर्स ने सबसे लास्ट जो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो बताया। और अब हमें ये पता चल चुका है कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, प्लस उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपेरिजन में, के साइज के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। और हमें ये भी पता चल चुका है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक डिफाइंड नंबर में अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया था फ्रेंड्स कि किस तरीके से किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होती हैं, ये बीच में न्यूक्लियस है, और किसी भी एटम के अंदर कितनी सारी ऑर्बिट्स हो सकती हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। और हम ये जान चुके हैं कि जो एटम के अंदर ऑर्बिट्स होती हैं उनको हम के एल एम एन ऐसे करके अल्फाबेटिकल, इंग्लिश अल्फाबेट जो है के एल एम एन, इनसे हम उनको डिनोट करते हैं। जो पहली ऑर्बिट होती है उसको हम K से नोट करते हैं, सेकंड जो ऑर्बिट है उसको L से, थर्ड को M से, और फिर फोर्थ को N से। हमने ये भी जान लिया है कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट है इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उनकी संख्या पता लगाने के लिए नील बोहर्स ने हमें क्या जनरल फॉर्मूला दिया, 2n2। इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड में 8, फिर 18 और फिर 32। अब ये देखो, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात और बताई कि जो भी ऑर्बिट होती है ना उसके अंदर कुछ सबसेल्स भी होती हैं। एक तो मेन सेल होती है, इसके अलावा कुछ सबसेल भी होती है। तो जो मेन सेल होती है ना उसमें मैक्सिमम आउटर में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखनी होती है ना वो लिखनी होती है 2 8 8 करके। ऐसे मान लो 2 इसमें 8 है, फिर नेक्स्ट में भी 8 होगी, उसके बाद भी 8 होगी, उसके बाद ऐसे करके, मतलब जितना नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए 8 8 8 मैक्सिमम हम जो है किसी भी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैसे तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 8 18 32, ऐसे करके 64, ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना किसी भी एटम का, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमने क्या ध्यान रखना है, हम 18 32 इतना नंबर नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर हम 8 ही रखेंगे। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम सीनियर क्लास में जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जैसे मान लो किसी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मान लो कोई एक्स एटम है और उसके पास 21, मान लो उस समय मैंने 19 नंबर लिया था, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन 21 है, तो पहली ऑर्बिट में तो 2 आ जाएंगे, दूसरी में 8 आ जाएंगे, 10 हो गए, कितने बच गए, 11। तो उसके बाद तीसरी में 18 नहीं लेंगे हम, 8 ही लेंगे, मैक्सिमम हमें 8 ही लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गए के सेल, ये होगी एल, ये होगी एम, कितने हो गए टोटल 18, कितने बच गए 19 20 21, 3 बच गए। अब जो थर्ड, फोर्थ सेल में जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, लास्ट की जो ऑर्बिट है फोर्थ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 चले जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप लेंगे ऑर्बिट में वो 8 से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तभी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो किसी ने आपको बोला कि भाई एक दूसरा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। तो देखिए पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो 8 2 कितने हो गए, 10, अभी भी बहुत बच गए, 14 तो अभी बचे हुए हैं भाई, 10 तो इन दोनों में आ गए तो कितने बच गए, 14 और बच गए। अब 14 में से फिर नेक्स्ट में कितने लेंगे हम, मैक्सिमम 8 लेंगे, 18 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, तो 8 कितने हो गए, अब 18 हो गए, अब कितने बच गए, 6 और बच गए, तो अब 6 जो है नेक्स्ट में चले जाएंगे इसमें, तो 2 8 8 6, ऐसे करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ध्यान रखना कि आप किसी भी शेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, 8 रखिए, बाकी जो बच गए आगे चलिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेल में मान लो 8 आ गए,
उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर नेक्स्ट में चलिए, ऐसे करके आठ से ज्यादा नंबर आपने नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे लगता है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो समझ में आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें ये जो नंबर है ये कहां से प्राप्त होगा, कौन बताएगा हमें कि भाई किस एटम के अंदर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, उसकी के सेल में, एल सेल में, एम सेल में और एन ऑर्बिट के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, ये हम किसके आधार पर बताते हैं, हमें क्या चाहिए उस चीज के लिए, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता होनी चाहिए। जब तक हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता नहीं होगी तब तक हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए या किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगी तब तक हम एटम का स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते, है ना। जैसे ये है भाई, पहले हमने लिखा 2881, पहले हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब इसी को यूज करके तो हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। भाई ये न्यूक्लियस हो गया, पहले में कितने हैं, दो है, तो हमने ऐसे देखो 1 और 2 तो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। अब दूसरी सेल में कितने हैं, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए। अब तीसरी सेल एक और है उसमें भी 8 है, तीसरी सेल बना दी, ये लो इसमें कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो जी। अब एक और सेल भी है फोर्थ, तो देखो बेटा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई तो आपको पता चला कि हम कितनी सेल इसकी बनाएंगे और क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा, यानी बिना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आप एटम का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। और एक एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस और क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अब चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होता है या प्रोटॉन का जो नंबर होता है या न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये चीजें फिर आगे हमें बाकी चीजों में हेल्प करती है। तो देखो फ्रेंड्स, किसी भी एटम के अंदर अगर हमें उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता लगा सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो फिर हम एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या भी पता है तो हम उस एटम का एटॉमिक मास नंबर, दो चीजें बोल रहा हूं मैं, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर में हम एक चीज और पढ़ेंगे, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। या फिर आप यूं कहिए किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एटम के अंदर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है हमेशा। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो समझ जाना कि इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि हर एटम के अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर अगर मैंने आपको बोला कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है क्या, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही होते हैं प्रोटॉन, तो फिर आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होते हैं एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो आपको प्रोटॉन की संख्या पता हो या आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो,
तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है ना, उसी से, उसकी सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और चूंकि हमें कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे बात आपको भाई। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो दोनों में से कोई भी अगर दे दिया, मान लो कि आपको किसी ने बोला कि एक एटम है और उसमें प्रोटॉन्स की जो संख्या है, प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो है 10। एक एटम है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पता है तो वही उतना ही नंबर कितना हो जाएगा, उतने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझ आई बात आपको। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं, उसी नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये तीनों बराबर चीजें होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन, तो तीनों बराबर चीज होगी। यानी कि या तो आपको प्रोटॉन पता हो तो वही तो आप इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वही आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, या आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो वही आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर, वही नंबर आपका प्रोटॉन का हो जाएगा। दोनों में से, तीनों में से किसी एक चीज का पता होगा तो तीनों चीजें बराबर हैं, तो तीनों चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, आपसे कोई बोलता है कि भाई मेरे पास एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो बताइए उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अगर उसके अंदर एटॉमिक नंबर 11 है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यानी कि ये तीनों बराबर होते हैं, किसी एक के बारे में अगर लिख रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, तो तीनों निकल जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब रही बात न्यूट्रॉन की। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या मालूम है, ठीक है, तो फिर इस न्यूट्रॉन के नंबर का क्या फायदा है। तो देखो बेटा, एटॉमिक नंबर तो निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर का मतलब देखो, एटम का जो मास होता है, वजन होता है, वो सारा उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का तो मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो जो एटम का टोटल जो वजन होगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली किसके वजन के बराबर होगा, एटम के न्यूक्लियस के वजन के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो काउंट ही नहीं करना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। भाई मैंने आपको क्या बताया, एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी न्यूक्लियस का जो वजन है वही उसके एटम का वजन है, समझ आ रही बात आपको। और न्यूक्लियस के अंदर वजन निकालना है अगर न्यूक्लियस का, तो कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन्स को तोलना पड़ेगा, प्रोटॉन्स को तोलना पड़ेगा, दोनों को तोल करके उसका एटॉमिक मास निकलेगा। एटम का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा भाई, मैं यहां पे आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। सपोज ये मेरा एटम है, ठीक है, इसके अंदर ये है भाई न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा करके दिखाया था, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर है भैया प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ऐसे करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब अगर कोई तुमसे कहे कि भैया इनका वजन करके बताओ कि न्यूक्लियस में कितना वजन है, तो क्या करोगे, पहले तो आप सारे प्रोटॉन्स को इकट्ठा करके उनका वजन करोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इकट्ठा करोगे, प्रोटॉन्स को उनका वजन करोगे, उसमें किसका वजन जोड़ोगे, फिर आप न्यूट्रॉन्स का वजन निकालोगे, और इन दोनों का वजन जोड़ करके आपको निकल जाएगा पूरे न्यूक्लियस का वजन, ऐसे तो निकलेगा। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी एटम का मास निकालना हो तो हम किसका मास निकालते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास निकालते हैं। ये तो मैंने बात करी वजन की, मास की, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर एटॉमिक मास नहीं लिखा हुआ है, यहां पर एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है। मास तो होता है वजन, लेकिन मास नंबर कहां से निकलेगा, मास नंबर भी तो, जब मास हमारा न्यूक्लियस में है तो मास नंबर भी न्यूक्लियस से निकलेगा। तो यहां पर हमने वजन नहीं निकालना है, यहां पर हमने संख्या बतानी है, किसकी, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की टोटल संख्या बतानी है, क्योंकि हमने बताना है मास का नंबर। अब ये क्यों एटॉमिक मास नंबर, इसको क्यों बोलते, पता है क्या होता है,
ज्यादातर ऐसा देखा जाता है बेटे, जब आप पीरियोडिक टेबल को समझोगे देखोगे तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि ज्यादातर एटम्स का क्या होता है बेटा, जितना मास नंबर होता है ना लगभग उतना ही उसका वजन भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो एक पार्टिकल होता है ना, एटम का जो एक पार्टिकल होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था कि किसी भी एटम का मास, अगर हम एब्सोल्यूट मास निकालें, एक्चुअल वजन निकालें किसी का, किसी एटम का, तो किसी एटम का एक्चुअल मास निकालें तो रिलेटिव मास निकालते हैं हम लोग। एक्चुअल मास तो बहुत कम होता है, वो तो निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हमने कैसे निकाला था? हमने रिलेटिव मास निकाला था, हमने रिलेटिव मास निकाला था। किससे रिलेट किया था हमने? हमने 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, C12 के 12वें भाग को हमने ऐसे टुकड़ों में लिया था। आपको शायद ध्यान होगा कि हमने ऐसे बहुत सारे टुकड़े लिए थे, फिर ऐसे एक बैलेंस बनाया था हमने, ऐसे बैलेंस बना करके हमने फिर देखा था भाई, उसको तोल के देखता था, इस बार को इसको यहां पर रखते चले जाओ और यहां पर एटम को रखो, ऐसे देखा था ना। तो ये जो एक एटम है, एक एटम का मास निकालने में हमें रिलेटिव बैलेंस का यूज करना पड़ रहा है, तो फिर उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो तो बहुत छोटे हैं, तो उनका वजन कैसे निकालें? तो साइंटिस्ट ने इनके लिए क्या किया बेटा, इन्होंने बोला कि आप एक पार्टिकल जो होता है ना, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, उसका एक्चुअल वजन तो नहीं निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। तो उन्होंने बोला कि इसको ना आप 1 AMU मान लो। क्या मान लो? 1 AMU, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 1U, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है 1 AMU, रिलेटिव मास है ये, एग्जैक्ट नहीं है। तब देखो, जब हमने प्रोटोन का, एक प्रोटोन का मास 1 मान लिया है, 1 यूनिट मान लिया है, एक प्रोटोन का मास कितना है? 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। तो अगर मान लो किसी एटम के अंदर 12 प्रोटोन है, क्या है? 12 प्रोटोन, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? एक का एक है तो 12 का 12 हो गया, तो 12 AMU हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली उतना ही। इसी प्रकार अगर मान लो 12 प्रोटोन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो वजन जो होता है ना किसी एटम का, इन दोनों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का वजन निकालना है ना। तो इसको भी हमने 1 AMU माना है, न्यूट्रॉन के भी एक पार्टिकल का वजन हमने 1 AMU मान लिया है, 1 यूनिट मान लिया है। तो अगर 10 है तो 10, तो ये 10 के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो उसके एटॉमिक मास के लगभग बराबर ही होता है, लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। वैसे अगर हम आप कहें कि नहीं सही में क्या होता है सर, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो मास नंबर अलग चीज है और मास अलग है, लेकिन चूंकि दोनों जो है रिलेटिवली बराबर ही होते हैं और एक पार्टिकल का वजन हमने 1 यूनिट ही माना है, इसलिए बेटा एटॉमिक मास नंबर अगर तुम निकाल लोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली उसके मास के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट निकालते कैसे हैं सर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो आपका निकल जाएगा एटॉमिक मास नंबर। क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास नंबर। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एटॉमिक मास के ही बराबर होता है ये। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी एटम का अप्रोक्सीमेट वजन निकालना है या एटॉमिक मास नंबर निकालना है, तो आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होते हैं बेटे? प्रोटॉन की संख्या कैसे पता चलती है? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के, मैंने अभी आपको बताया एटॉमिक नंबर समझाते समय। तो इसका मतलब यह है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है तो उतने ही हो जाएंगे आपके प्रोटॉन। और ये नंबर जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब देखो इनका रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन देखते हैं कैसे क्या है। देखो एटॉमिक नंबर अगर पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो हमें तीन चीजें पता चल गई,
उतने ही प्रोटोन है, उतने इलेक्ट्रॉन, उतना एटॉमिक नंबर है। तो अगर मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी किसी का दे दे, मान लो हमारे पास एक एक्स कोई एटम है, उसका एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 11, क्या दे रखा है 11। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर से आपको क्या क्या पता चल गया, प्रोटॉन की संख्या पता चल गई। और अगर मैं इसके साथ में आपको दे दूं कि इस एटम के जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या है 10, तो मैं आपको इतनी जानकारी दे दूं कि एक एटम का एटॉमिक नंबर बता दूं और न्यूट्रॉन की संख्या बता दूं, और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे अब एटॉमिक मास नंबर बताइए इसका, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? एटॉमिक मास नंबर निकालने में क्या चीज होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर से तो आपको प्रोटॉन पता चल गया 11 है भाई, और न्यूट्रॉन मैंने अलग से दे दिया, तो दोनों को जोड़ दो तो 21 हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ये हमने आज की इस वीडियो में समझा है। अभी कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको एक बार फटाफट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के एक साथ में अगर करेंगे ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, ठीक है? तो ज्यादा हम लोग इसको लंबी वीडियो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। तो देखिए आपकी बुक में ना कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे दिया हुआ भैया हाइड्रोजन, कुछ का लिख देता हूं सबका नहीं, और ले लेते हैं भैया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ले लेते हैं सोडियम, ये तीन ले लेते हैं, इनसे समझ लेते हैं। तो ऐसे टेबल बना रखी है और टेबल में यहां पे ऐसे करके ना अलग अलग चीज लिखी हुई, यहां पे लिखा हुआ है इसका सिंबल, पहले दिया हुआ है इनका सिंबल भाई, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, फिर दिया हुआ भैया एटॉमिक नंबर, क्या दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, फिर दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर दिया हुआ बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर दिया हुआ बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है? अब इसमें अलग अलग लिख तो लेते हैं, पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर खाली में लिख देता हूं यहां पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख रखा है, एटॉमिक नंबर लिख रखा है 1, ठीक है? और हमने क्या लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर दे रखा है वो है 7, एटॉमिक नंबर कितना है 7, और सोडियम का कितना है 11, सोडियम कितना है 11, ऐसे दे रखा है। अब देखिए इससे हम बाकी जानकारी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का दे रखा 1, तो बेटा एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर किसके होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के होता है, तो इसका मतलब हम यहां पे बता सकते हैं कि अगर इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 1, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे वो भी हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं, ठीक है? इसके बाद नाइट्रोजन, ऐसी नाइट्रोजन देखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7, बराबर हो गए तीनों। ऐसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका ये भी 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, तीनों चीजें सेम होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगी वही प्रोटॉन होती है, वही एटॉमिक नंबर होता है, तीन चीजें बिल्कुल आराम से आपकी निकल के आ गई। अब अगर इसमें मैं एक चीज आपको और दे दूं तो आप फिर एटॉमिक मास भी निकाल सकोगे, जैसे मैंने आपको दे दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं हाइड्रोजन का जो में न्यूट्रॉन जो होते हैं 0 होते हैं, न्यूट्रॉन होते ही नहीं उसमें, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के अंदर, तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है तो 0 है नंबर। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखा भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 ही होता है, सेम है, ये लो भाई और अच्छा हो गया तुम्हारे लिए, अब देखो आसान हो गया। और क्या था हमारा सोडियम, सोडियम का देखा 12, अब ये देखो वैसे ज्यादातर जो एटम होते हैं बेटा उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं लगभग उनके बराबर ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे में नहीं भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते भी हो सकते, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो देखो अब ये देखो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर निकालो, एटॉमिक मास नंबर निकालो, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दो तो कितना है 7 प्लस में 7 कितना 14, यानी कि नाइट्रोजन का जो वजन होगा इसका सिंबल क्या होता है N, इसका सिंबल होता है H, इसका सिंबल होता है Na। तो देखो ऐसे करेंगे बेटा यहां पे लिख दिया N, ठीक है? इसका मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं तो ये तो हो गया 14, और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ये हो गया 7, ठीक है?
तो इस तरीके से आप जो है ऐसे लिख करके पूरी जानकारी दे सकते हैं। एक एन लिख दिया, ऊपर 14 लिख दिया, नीचे 7 लिख दिया, तो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन का मास ये है, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर ये है। अब इसी तरह सोडियम में आ जाओ, सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है 11, प्रोटॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, न्यूट्रॉन ये है, तो ये है न्यूट्रॉन और ये है एटॉमिक नंबर, यानी कि ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो 11 प्लस में 12, 23, यानी कि जो सोडियम है ना बेटा, इसका मास कितना हो गया 23, जबकि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11। अब इससे और भी क्या हो सकता है, इस टेबल से, इस टेबल से हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि बेटे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे टेबल से मिल गया, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए और एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो यानी एटॉमिक नंबर अगर पता चल गया तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता चल गई, और इसी से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये लो जी, सोडियम की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दी यहां पे 281। अब इसी से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल में दो, दूसरी सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड सेल में सिंगल, ये स्ट्रक्चर भी बन गया। तो यानी कि एटॉमिक नंबर के पता होने से, न्यूट्रॉन की संख्या पता होने से हम बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प मिलती है, हम उससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं, हम उससे एटॉमिक मास नंबर पता लगा सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूर आता है, इसमें एक टेबल दे देंगे जिसमें एक चीज को मिस कर देंगे, ब्लैंक दे देंगे, बाकी चीजें आपको लिख के दे देंगे, उनसे आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है, और हम अब नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, और थोड़ा सा और जान लेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की इंपॉर्टेंस को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।